भाई और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके फ़ोन का डिस्प्ले जो है वो डैमेज और ख़राब हो जाता है, लेकिन आपको आप चाहते हैं कि उसे एक्सेस करें, तो आप उसे एक्सेस कैसे कर सकते हो। तो बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ, मैं आज आपको वैसे बताऊँगा कि आप डैमेज स्क्रीन को एक्सेस कैसे कर सकते हो विथ अपने पीसी के साथ। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर और यूएसबी केबल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साइड में जो बेल का आइकन आएगा उसे भी दबा लीजिएगा। और चलिए डायरेक्ट चलते हैं कंटेंट के ऊपर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यार आपको एक सॉफ्टवेयर नामक की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है VYSOR। तो यार उसको कैसे डाउनलोड करना है ये आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। तो ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करें और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से सीधा आप डाउनलोड कर दीजिएगा। फिर ये पूछेगा अपने आपको कि आपका एंड्रॉयड के लिए चाहिए या फिर विंडो के लिए चाहिए, फिर iOS के लिए चाहिए। ये देखिए मैक्स लिनक्स विंडोज़, तो आपका जो भी होगा वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा विंडोज़ 10 है, तो विंडोज़। और फिर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। तो यार मैं इसको ये कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर देता है। गाइस फिर आपको सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल मेथड है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। फिर आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। इस तरह का उसका लोगो है VYSOR। मोबाइल की सेटिंग में USB डबिंग ऑन कर देना है, जो है जो कि डेवलपर ऑप्शन में रहती है। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो, जैसे मेरा डिवाइस का नाम इसने एक्सेस कर लिया है, तो ओपन करते ही आपका मोबाइल अगर कनेक्ट होगा तो ये आपके डिवाइस का नाम बता देगा। फिर नाम बताने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको व्यू पे क्लिक करने का, जैसे आप देख पा रहे हैं कनेक्टिंग दिख रहा है। कमेंट्स में कैसे लगी वीडियो, और अगर आपको अच्छी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए।